मीडिया मीडिया चाहे सभी मित्रों का साथियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सर्वप्रथम सबसे जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में हमारे भगवान राम और भगवान राम लल्ला के जो उनकी जन्मभूमि पर बन रहे आकार लेते एक विशाल मंदिर, बहुत ही खूबसूरत मंदिर का जो निर्माण हो रहा है आज, उस मंदिर को बनने के लिए, उस मंदिर को देखने के लिए, भगवान जी का वहां पर घर बनाने के लिए आज ये कहानी किसी से छुपी नहीं है। सबको मालूम है कि कैसे लगभग 500 वर्षों पूर्व हमारा एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही विशाल का मंदिर, बहुत ही सुंदर हमारा मंदिर उन आक्रांताओं के द्वारा कैसे तोप के द्वारा उड़ा दिया गया। और हम सबको शॉर्ट में इतना ही पता है कि उस मंदिर को किसी बाबर के द्वारा, उनके मंत्री वीर बांकी के द्वारा उड़ा दिया गया। लेकिन मैं आपको यह भी बताऊं, जिस दिन वो मंदिर ध्वस्त किया गया उस दिन लगभग 70,000 हमारे हिंदू भाई, हमारे हिंदू वीर, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। उसी दिन, उस एक दिन में 70,000 हमारे हिंदू साथी, हमारे भाई, हमारे शूरवीर, हमारे वो पूर्वज, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इन 500 वर्षों में लगभग 3.5 लाख लोगों ने आहुति दी। लेकिन ठीक है, हर चीज का समय तय है। तो 500 साल का जो संघर्ष था, हमारे साधु समाज, हमारे राजनीतिक दल और हमारे हिंदू वीर जिन्होंने हमेशा बड़ी लड़ाइयां लड़ी और अंततः आज किन लोगों के कारण ये मंदिर बन पा रहा है, या आने वाली पीढ़ी को भी बताया जा सके, याद दिलाया जा सके समय समय पर, ऐसा एक भाव रख के, ऐसा एक विचार रख के उस विषय पर इस विधा के माध्यम से भी हम घर घर तक, हर हिंदू तक, पूरे विश्व में जो हमारा हिंदू समाज है उस तक अपनी बात पहुंचा सके, ऐसे विषय को लेके हमने एक फिल्म बनाने का विचार किया जिसमें तय हुआ उसका नाम 695, 695। अब ये 695 क्यों, कैसे? हमारा मानना है कि ये 3 अंक जो है हम हिंदू समाज के लोगों के लिए बहुत ही पवित्र अंक साबित होने वाले हैं। 6 मतलब 6 दिसंबर 1992 ढांचा विध्वंस, 9 मतलब 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला, ऐतिहासिक फैसला, हम सबको गौरव बढ़ाने वाला वो फैसला, 5 मतलब 5 अगस्त 2020 युग पुरुष प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का रामलला के सामने साष्टांग होकर भूमि पूजन करना 5 अगस्त 2020। इस प्रकार ये नाम हमको मिला 695, इसी से जुड़ी हुई पूरी कहानी है। मैं यहाँ जो भी आपके सम्मुख बैठे हैं हमारे कलाकार, इनमें कुछ पूंजनी भी हैं। मैंने देखा जब हमारे कलाकार जो है, प्रमुख कलाकार जहाँ पे भी शूटिंग के लिए जा रहे थे, या अयोध्या में जब हम शूट कर रहे थे, जब मंदिर की तरफ जा रहे थे हमारे आदरणीय अरुण गोविल साहब भी, तो जो लोग लाइन में खड़े होकर रामलला जी के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे लोग इधर पलट कर इनको प्रणाम कर रहे थे, चरण स्पर्श कर रहे थे। ऐसे लोगों का सानिध्य मिलना हमारी 695 की टीम, सदाई फिल्म्स बैनर की हमारी टीम जो है, बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती है। हम अपना गर्व महसूस करते हैं कि ऐसी टीम का सानिध्य मिला है। मैं आप लोग के बीच में ज्यादा ना आते हुए अपना परिचय देता हूँ। श्याम चावला हूँ मैं, कॉन्सेप्ट मेरा रहा 1050 पेज का, वो रंजन गोगोई साहब का जो आदेश था उसको हमने पढ़ के, उसको बेस बना के इस फिल्म की ऐसी योजना बनाई। आप और आपके सामने हमारे कलाकार, जय श्री राम। ट्रेलर, ट्रेलर, राइट्स ऑफ
हमें कैसे देखा।